आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे को लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। बात है दिल टूटने का। कुछ महीने पहले हमारी एक्स हमें छोड़कर चली गई थी और ये मौका हमें दोबारा देखने को मिल रहा है। इस बार हमारी एक्स छोड़कर गई नहीं है, उसे भगाया गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ। वीडियो इमोशनल है, हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद आप लोगों का भी दिल टूट जाए। अगर आपका भी दिल टूटता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपस में अपना दुख दर्द बांट सकें, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी भगाई हुई माल जब वापस आए तो मैं आपको अपडेट कर सकूं। बात है एक दिन पहले सुबह 10 बजे का। तो मैं अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तो मैं बहुत देर से काम कर रहा था, तो मेरे को काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कुछ मस्ती कर लिया जाए, तो मैंने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन किया, और जैसे ही ओपन किया मेरे को एक बहुत ही खुशखबरी देने वाला वीडियो सामने आ गया, एक थंबनेल। अरे हमारे सरकार ने तो बहुत ही बड़ा काम कर दिया है, हमारे सरकार ने फिर से 43 एप्लीकेशन चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया। हमारी सरकार चाइनीज को बैन ना बजा करके चाइनीज एप्लीकेशन को बैन बजाए जा रही है, जिससे हम लोग का भी बैन बज रहा है। वाह क्या काम किया है। जिस तरह आप लोग पूरा फुल वीडियो नहीं देखते हो, इसी तरीके से मैंने भी उस वीडियो को पूरा फुल वॉच नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं था कि कौन कौन सा एप्लीकेशन बंद हुआ है। बट मुझे दिल से बहुत खुशी हो रहा था, सरकार ने क्या काम किया, एप्लीकेशन चाइनीज एप्लीकेशन को बैंड कर दिया। और मैंने कुछ दिन पहले अली एक्सप्रेस पे कुछ पार्ट्स ऑर्डर किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रैकिंग देख लिया जाए, और जब जल्दी से मुझे पार्ट्स मिल जाएगा तो मैं वीडियो बना पाऊंगा। तो मैंने अली एक्सप्रेस को जैसे ही ओपन किया मेरे को शॉक लग गया। या मैंने देखा कि पूरा एप्लीकेशन में एरर आ रहा है, मतलब जहां पर प्रोडक्ट का फोटो होना चाहिए वहां पर एरर, उसको क्लिक करो तो अंदर भी एरर, और कहीं भी मतलब क्लिक करो तो एरर एरर एरर। मैंने लैपटॉप पर उसका वेबसाइट ओपन करके देखा अली एक्सप्रेस का, तो वेबसाइट ओपन हो ही नहीं रहा है। लगभग मैंने एक दो दिन पहले उसे ओपन करके मैं देख रहा था प्रोडक्ट कौन कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, बट अभी ओपन करने पर क्या हो रहा है कि वो सारा कुछ एरर हो जा रहा है और वेबसाइट ओपन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसी तरीके से अली बाबा को भी बैंड कर दिया गया है, पर इसका वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों ही ओपन हो रहा है, यहाँ तक कि इसमें ऑर्डर भी ले रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये बैंड हो चुका है और इसे कुछ ही दिनों में टोटली हटा दिया जाएगा। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा और प्रोडक्ट दोनों ही फंस सकता है, जैसा मेरे साथ अली एक्सप्रेस में हुआ है। अली एक्सप्रेस में मैंने टोटल 6000 का प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, बट एप्लीकेशन बैंड होने की वजह से प्रोडक्ट और पैसा दोनों ही फंस चुका है। और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका प्रोडक्ट और पैसा फंस चुका होगा, तो आप जानते हैं उनका क्या होगा। मोदी जी पैसा देंगे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी पैसा देंगे, मोदी जी मोदी जी पैसा देंगे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी पैसा देंगे, मोदी जी। अरे ये सब फालतू बातें हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं मिलने वाला, अपना बाप का पैसा था अपना बाप का पैसा जाएगा। दोस्तों पानी पी के पहले दिल का प्यास बुझा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे गुफ्तगू करते हैं। जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में भी लेने दो। बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट मिल भी सकता है, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट नहीं भी मिल सकता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और अगर आपका प्रोडक्ट शिप नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको 100% आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है और उसका रिफंड भी नहीं मिलने वाला है। और अगर आपका प्रोडक्ट शिप्ड हो चुका है तो आपको प्रोडक्ट मिल सकता है, अगर आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है तो। अगर कस्टम क्लियरेंस नहीं होता है तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट कस्टम क्लियर हो जाने के बाद भी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है कुछ केस में। यहाँ पर जब आपका प्रोडक्ट कस्टम क्लियर हो जाता है तो जो डिलीवरी एजेंसी आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने वाला है या फिर डिलीवरी बॉय जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने वाला है, अगर उसको पता हो कि AliExpress बैंड हो चुका है तो वो आपका प्रोडक्ट रख सकता है, क्योंकि उसे पता होगा जिस बंदे का प्रोडक्ट है उसे खुद भी पता नहीं कि उसका प्रोडक्ट आ चुका है, और सेलर का दबाव भी नहीं रहेगा उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, और यहाँ पर आप ट्रैकिंग भी नहीं देख सकते। कुल मिलाकर के बात यही है कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, अगर किसी को मिल जाता है तो उसका बहुत ही बड़ा खुशनसीबी है। मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो था ऑन द वे, मतलब कि वो शिप्ड था, मैंने जो ऑर्डर किया था उसे वो शिपमेंट हो चुका था। तो अगर मेरा प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल चुका है और क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना हुआ। अगर आपने अभी प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने कितना का प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, क्या आपका प्रोडक्ट शिप्ड हुआ था या फिर आपका प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है और आपको नहीं मिला, तो सारा कुछ आप बताएं, हो सके मैं अगले वीडियो में इसे कवर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, थैंक यू सो मच दोस्तों। और हाँ, जिन लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा उनका पैसा हमारे मोदी जी देंगे।
क्या काम किया है।